इस समय तो ना मैं सिर्फ अकेला हूँ। देखो इस साइड में कोई नहीं हैगा, अभी ये अभी तो कुछ चला भी नहीं हूँ ना मैं, वहां तक तो कोई नहीं हैगा, और ये देखो मेरे पीछे ना ही यहाँ तक कोई हैगा, सिर्फ अकेला हूँगा। जो तो अकबर मूवी देखोगे ना, ऋतिक और ऐश्वर्या वाली, ऐश्वर्या राय ऋतिक को खाना खिलाती है, वो यही जगह है जहाँ पर उसने बैठ के खाना खाया था। वहाँ पर देखने को मिलेगा ये मुगल गार्डन सारा का सारा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आ चुका हूँ अकबर बादशाह के सेनापति राजा मानसिंह के महल में, यानी आमिर किले पर। तो इसके अंदर जाना है मुझे, जहाँ पर मूवी भी कई सारी शूटिंग हो चुकी हैं, जैसे जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, मुगले आजम और भी बहुत सारे। तो इसके अंदर जाकर देखना है क्या क्या है। मैं जा रहा हूँ इसके एंट्री गेट पर, पहुँचने वाला हूँ। इसके अंदर का व्यू पास से दिखाई देगा, ये है इसका अंदर का व्यू। तो मैं आ गया हूँ इसके अंदर, अब मुझे इसका टिकट लेना है ताकि और भी कुछ जो है शीश महल है और भी जो अपार्टमेंट हैंगे वगैरह वो दिखा सकूँ। तो इसका है सारा एरिया, काफ़ी अच्छा है अंदर से भी। टिकट लिया जाएगा बाद में, पहले ली जाएगी पानी की बोतल, गर्मी है अच्छी खासी, तो भाई पहले पानी की बोतल लेना है फिर टिकट लिया जाएगा। 40 रुपये की पानी की बोतल रहेगी, पानी की बोतल तो बाहर से ले लेना क्योंकि 20 बच जाएंगे, और 100 रुपये का टिकट आएगा। अब मैं जा रहा हूँ अंदर को, ये रही अपनी पानी की बोतल। एंट्री करने के बाद का नज़ारा, ये गेट से निकलते ही टिकट वगैरह चेक कराओगे, उसके बाद उस कोने से दिखा रहा हूँ, वहाँ से व्यू बिल्कुल साफ दिखाई देगा। मतलब जो इस टाइम पे पेंट चल रहा है ना, वो सिर्फ रुकेगा 5 साल या 10 साल, लेकिन इस गेट पर जो पेंट हुआ है वो 350 सालों से है, और अभी तक वैसी का वैसी हैगा। थोड़ा बहुत तो चेंजिंग आ जाता है, बट है ये वैसी का वैसी। जितनी प्यारी हवा आ रही है ना इसके अंदर, एक नंबर। पता है क्या चीज़ है, अगर तुम जोधा अकबर मूवी देखोगे ना, ऋतिक और ऐश्वर्या वाली, तो इसमें एक शॉट आता है जहाँ पर ऐश्वर्या राय ऋतिक को खाना खिलाती है, वो यही जगह है जहाँ पर उसने बैठ के खाना खाया था। तो ये था पहला स्टेप इस किले का, अब मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह पे। ये था सारा, जैसे अंदर को आओगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा ये मुगल गार्डन सारा का सारा, और शीश महल जस्ट इसके सामने। अभी दिखाता हूँ, ये था अपना शीश महल, जहाँ पर आधे से ज़्यादा काम शीशे का हुआ है, मतलब दीवारों पर। वैसे तो मसाले वगैरह की हैं बने हुए, शीशा मगर इसमें अंदर लगा हुआ है, और इसके अंदर जो है बाउंड्री खींच दी है, अंदर जाना मना कर दिया गया है। तो मैं निकल आया अब ऊपर टॉप पे, तो यहाँ पर शायद कुछ और हो देखने के लिए, होगा तो क्योंकि इतना बड़ा महल है यार, ऐसे थोड़ी ना आए हुए यहाँ पे लोग। तो अब देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। मैंने ना उस जगह पे जाना जहाँ से डायरेक्ट जयगढ़ के लिए सुरंग की एक यहीं से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है, और मुझे तो उसी के अंदर जाना है। मैं जब से जयपुर में आया हूँ, मैं तो मैं हर ब्लॉग में बोल रहा हूँ कि मजनू तो हर कहीं मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी है। देखो देखो ये अगर दिखता होगा हल्का हल्का इसमें आता होगा, वरना दीवारों पर लिखा हुआ है नाम। भाई क्या मिलता है ना, अच्छी खासी दीवारों को बेकार कर दिया। मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ, अभी मिल ना पाया मुझे दूसरा स्टेप महल का, मतलब दूसरा महल है। एक में तो घूम लिया शीश महल की जगह से जाके, मिल नहीं पाया, कोई इधर को जा रहा है कोई उधर को जा रहा है। तुम जितना ये सब देख रहे हो ना, यहाँ से लेके वहाँ तक जितना भी है सब कुछ, ये बैठने के लिए जो बना हुआ है ये सब, मैं भी यही देख रहा हूँ अभी।
मैं भी यही देख रहा था, तो एकदम मेरा दिमाग घूमा। मैंने कि यार ये लोग तो अपना काम कर गए, और हमने जो 299 का रिचार्ज करा के 2 GB पूरे दिन में ख़त्म होती हैगी, और फिर 2 GB जो तुम रात में ख़त्म करते हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? अगर वो 2 GB किसी काम में लगा लेते ना, तो आज वो किसी काम आ जाती। मुझे यहाँ पर बैठे हुए आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे से ये देख रहा हूँ ना, मेरी बेंच के बराबर में जो बेंच पड़ी है, इस पर जो बंदा बैठा है वो अंग्रेज है, और धूप इतनी तेज़ पड़ रही है बेहिसाब, और वो बंदा वहीं की वहीं बैठा हुआ है। अब इनकी कैपेसिटी कितनी है धूप में बैठने की भाई, मतलब हम अगर थोड़ी देर बैठ जाएँ तो। अरे ये भैंस पता नहीं कब से बैठा हुआ है एसी की एसी, और लीड लगा के आराम से सुकून से है एकदम। ये सारे रानियों के कमरे बने हुए हैं चारों तरफ, और ये इस हिसाब से बने हुए हैं कि अगर एक रानी के कमरे में जाएंगे तो दूसरी को पता नहीं चलेगा, बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता। इस हिसाब से बने हुए हैं, भूल भुलैया सी। तो बस यहाँ पर ये था, और ये बैठने का है पीछे। कैमरा इतना अच्छा नहीं है, बस एडजस्ट कर लेना। देखो इस हिसाब से आएंगे, जैसे एक जीना ये पीछे से गया मेरे, यहाँ से ऊपर पर चले जाओगे फिर साइड से जाएगा दूसरे कमरे के लिए, और फिर एक जीना इस साइड से गया, इस साइड से चले जाओ तो पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे ही सारे कमरे बने हुए हैं ताकि किसी दूसरे कमरे में जाओ तो पहले को पता ना चले। तो बाकी ये अंदर से आएगा, सब सोना सोना पड़ा। मेरे अलावा तो फिलहाल अभी एक आधी दो जन ही है यहाँ पे। तो अब मैंने कर दी है एंट्री उस जगह के लिए जो है पूरी जयगढ़ के लिए, मुझे जाना है सीधे इसके। हाँ तो अब डायरेक्ट जयगढ़ को जाएगी, कम से कम 2 किलोमीटर लंबी है, तो 45 मिनट तो मैक्सिमम मान के चलो। तो फिर मैं जा रहा हूँ। इसको अगर देखोगे ना तो अंदर से तो ऐसा लग रहा है यार, ये मतलब खौफनाक सा एकदम, मतलब क्या कुछ होगा। और जो है कैसा फिर इसकी हालत देखो, ये 2 किलोमीटर लंबी हैगी, इसमें यहाँ पर यहाँ से लेकर ना तो अगर देखोगे तो किस साइड से दिखाऊँ, अबे दिख जा ये, ना तो यहाँ पर कोई आएगा, और यहाँ पे दिखाऊँ ना तो यहाँ पर कोई है, वहाँ से शायद एक आध बंदा आ रहा है, रास्ता भी सीधी शायद ये गई है, बस 2 किलोमीटर रहेगा यहाँ से। अभी वहाँ पर बता रहे थे कि ये इसलिए बनाई गई है कि अगर लड़ाई होती हैगी तो यहाँ पर राजा और भी लोग आकर बैठ जाए आराम से, ताकि कोई ज़्यादा नुकसान ना हो उनके लिए, इसलिए बनाया गया था। और इस समय तो ना मैं सिर्फ अकेला हूँ, देखो इस साइड में कोई नहीं आएगा, अभी ये अभी तो कुछ चला भी नहीं हो ना मैं, वहाँ तक कोई नहीं आएगा, और ये देखो मेरे पीछे ना ही यहाँ तक कोई आएगा, सिर्फ अकेला हूँ यार। ये जो दीवार है ना, जो दीवार है इस तरीके की बनी हुई है कि मैं ऊपर भी नहीं चढ़ सकता, चस्ट लगा अगर कोई चीज़ मेरे सामने से आ जाए, मतलब कुछ भी आ सकता है, कुत्ता वगैरह कोई बोराना अगर आ गया, अगर कुछ आ सकता है तो ना ही मैं इधर से भाग सकता हूँ, ना ही सामने को भाग सकता हूँ, और ना ही मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ, और जस्ट मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं जो मैं उससे लड़ सकूँ। पता है ना मैं यहाँ पर रुक गया था, अब रुका क्यों था, ये देखो ये सामने भाई, मैं भी इंसान हूँ, ये देखो 6-7 हैं यहाँ पर, तो इसलिए मैं रुक गया, और ये खाँव खाँव कर रहे थे, तो जस्ट मैं ही खड़ा हो गया, मैंने कि एक आध बंदे को आया तो फिर जाऊँगा आगे को, लिपट गया तो कोई है भी ना यहाँ पे। अगर अकेले आ रहे हो और तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि बंदरों का सामना करने की तो आ जाना, वरना मैं भाई रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि यहाँ पर आओ। सुरंग के अंदर वैसे तुम घूम सकते हो कहीं पर भी, शायद बतेरे बंदर हैं यार। फाइनली मैं आ गया उस जगह पे जहाँ पे मुझे आना था, राम वो जयगढ़ किले पर, ठीक है इसका एंट्री गेट जयगढ़ का, सीधे जाना है। ये रहा अपना जयगढ़ फोर्ट का गेट। तो ये सारा जयगढ़ किला है, और इसकी मैंने ब्लॉग डाल रखा है, अगर